लेबर, जब हम डिपार्टमेंट पूरा क्लोज कर देंगे तो हमें लेबर को भी, लेबर भी हमारा रिडंडेंट हो जाएगा, बोला गया है व्हेन द डिपार्टमेंट विल बी क्लोज डाउन द लेबर विल बी रिडंडेंट, और लेबर रिडंडेंट होगा तो उसको हमें पे करना पड़ेगा टर्मिनल बेनिफिट्स 15,000 रुपीज़। 15,000 हमें उसे नेट पे ऑफ करना है। मतलब लास्ट ईयर तक हम उसे पे करते थे 1 लाख रुपीज, अब हमें 1 लाख नहीं पे करना, लेबर कॉस्ट ही 1 लाख से बच गया, इसकी जगह अब हमें पे करना है केवल 15,000। दैट मीन्स नेट हमने सेव कर लिया 85,000, लेबर कॉस्ट का नेट 85,000 हमने सेव किया। 1 लाख की जगह नाउ वी आर पेइंग ओनली 15,000, सो वी हैव सेव्ड 85,000, इतनी हमारी सेविंग्स हो गई। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर बोला है ये दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब पहले भी कंपनी इसको सैलरी देती थी, अभी भी देती रहेगी, सो देयर विल बी नीदर एन एडिशनल कॉस्ट नॉर एनी सेविंग्स। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अगर मशीन ही नहीं है, जब मशीन है ही नहीं आपके पास तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश कॉस्ट, कैश फ्लो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सो देयर इज एक्चुअली नो सेविंग और नो कॉस्ट इन्वॉल्व। बट आपको अब मशीन की जरूरत नहीं है तो आप मशीन को भी बेचोगे, क्योंकि आप डिपार्टमेंट क्लोज कर रहे हो तो आपको मशीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए तो यू विल नाउ सेल आउट द मशीन, मशीन सेल करोगे तो कितना रियलाइज होगा 50,000, सो फ्रॉम सेल ऑफ मशीन यू विल रियलाइज 50,000। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, पहले हम मेंटेनेंस का पे करते थे 7,200, अब ये पे नहीं करना पड़ेगा, जब मशीन बेच दी तो कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, सो वी आर अगेन सेविंग मेंटेनेंस कॉस्ट 7,200। रेंट, रेंट वैसे टेबल में दिया है 9,000, एक्चुअली जो कंपनी पे कर रही थी वो था 18,000, अब डिपार्टमेंट क्लोज कर रहे हैं तो हमें वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बोला गया है ना, कुछ बोला है वेयर हाउस के बारे में? कुछ भी नहीं बोला है। क्लोजर के टाइम पर देयर इज नथिंग सेड फॉर वेयर हाउस, तो हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं तो उसके वेयर हाउस की जरूरत क्या है, वेयर हाउस नहीं लगेगा तो हमारा ये रेंट कॉस्ट भी बच जाएगा, सो वी हैव सेविंग्स इन रेंट कॉस्ट पूरे के पूरे 18,000 हम अब सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट, अदर मिसलेनियस कॉस्ट, अगेन डिपार्टमेंट बंद हो गया तो मिसलेनियस कॉस्ट भी आपके कुछ नहीं लगेंगे, सो वी अगेन सेव मिसलेनियस कॉस्ट 31,500। दीज आर योर सेविंग्स, इनफ्लोज और सेविंग्स। इसके अगेंस्ट में ये सब कुछ बचाने के लिए आप क्या पे कर रहे हो, तो आप मैक्स लिमिटेड को पे कर रहे हो 2,50,000 + 50, 2,50,000 तो मैन्युफैक्चरिंग का और 50 मेंटेनेंस का, तो टोटल यू आर पेइंग टू मैक्स लिमिटेड, मैक्स एसोसिएट्स 2,50,000 + 50, दैट इज 3,00,000। सो व्हाट इज द नेट कॉस्ट और बेनिफिट? $119,700, दिस इज बेनिफिट। हम अगर इन दोनों को आउटसोर्स कर दें तो हमें नेट बेनिफिट होगा 119,700 का। कोई पॉइंट हमने मिस नहीं किया ना? प्रोटेक्टो कवर कर लिया, मशीन कवर कर ली, ओके। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दे रहे हैं मैक्स को और मेंटेनेंस एक्टिविटी हम सेल्फी कर रहे हैं, टस्कन खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहा है। इस ऑप्शन के बारे में क्या क्या बोला है, तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में हमसे बोला गया है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए हमें 10% ऑफ द मटेरियल की जरूरत होगी,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अलोकेटेड ओवरहेड्स, वो बोला है दैट दे आर 20% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ओवरऑल कंपनी का हमने एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, उस रेट के अकॉर्डिंगली हम चार्ज कर रहे हैं, दे आर नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली टू टू द डिपार्टमेंट। ओके, सेकेंड ऑप्शन में मटेरियल के बारे में बोला है वी विल बी एबल टू सेव 90% ऑफ मटेरियल, केवल 10% मटेरियल की अब हमें रिक्वायरमेंट होगी, वी विल रिक्वायर ओनली 10% ऑफ द मटेरियल, प्रोटेक्टो का भी 10%, अदर मटेरियल्स का भी 10%। ओके, प्रोटेक्टो का हमारे पास टोटल था 1,60,000 का मटेरियल, उसमें से 10% हम कंज्यूम कर लेंगे, हमें अलग से कुछ पे नहीं करना था, कॉस्ट ऑलरेडी हम इनकर कर चुके हैं, तो अब उस 10% का अलग से कॉस्ट नहीं लग रहा है प्रोटेक्टो का। अब क्या हो रहा है, बाकी का जो 90% बच गया वो सेल करके हम वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कॉस्ट तो हम ऑलरेडी लास्ट ईयर इनकर कर चुके हैं। ओके, सो वी विल रियलाइज समथिंग फ्रॉम सेल ऑफ प्रोटेक्टो, कितना हमें रियलाइज होगा, 1,60,000 का मटेरियल हमारे पास बाकी पड़ा हुआ है, इसका 10% हम इस साल कंज्यूम कर लेंगे तो सिर्फ 90% ही हम बेच सकते हैं, एंड दैट 90% विच वी हैड एक्वायर्ड फॉर 1,000 रुपीज वी विल सेल इट एट 800 रुपीज, तो टोटल हमें कितना रियलाइज होगा इससे, 1,52,000, 1,52,000। यू आर आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग यू आर आउटसोर्सिंग, यू आर कंटिन्यूइंग ओनली मेंटेनेंस, बोला गया है आपको फोर्थ पॉइंट, ओनली 10% ऑफ ऑल मटेरियल्स विल बी यूज्ड, या सम ऑफ द मटेरियल्स शुड बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस, कहीं कुछ वेयर एंड टेयर हुआ उसमें रिपेयर वगैरह करने में कुछ ना कुछ लगता होगा, और कोई डाउट इसमें, सो दिस वॉज फॉर प्रोटेक्टो, प्रोटेक्टो के अलावा बाकी के जो मटेरियल्स हैं दी अदर मटेरियल्स उसमें भी सेम यही एप्लीकेबल होगा, 10% आप अभी भी मटेरियल कॉस्ट इनकर करोगे, 90% यू विल नॉट इनकर, मतलब जो पहले 1,00,000 रुपीज हम इनकर कर रहे थे अब हमें सिर्फ 10,000 रुपीज इनकर करना है, सो वी आर सेविंग 90,000 रुपीज ऑफ दैट कॉस्ट, हम मटेरियल कॉस्ट में 90,000 की सेविंग करेंगे मैक्स लिमिटेड को आउटसोर्स करके, सेविंग्स इन अदर मटेरियल्स, नेक्स्ट लेबर, लेबर के बारे में बोला है फिफ्थ पॉइंट में, ओनली वन वर्कर विल बी डिस्पेंस्ड विथ एंड टेकिंग द टर्मिनल बेनिफिट्स टू बी मेट इनटू अकाउंट द सेविंग विल बी ओनली ₹5,000 पर एनम, एक ही वर्कर को हमें निकालना होगा, बाकी के सब वैसे ही रहेंगे, सिर्फ एक ही वर्कर जाएगा और उस वर्कर के जाने से ₹5,000 की हमें सेविंग हो रही है, ओनली 5,000, मतलब पहले हमने 1,00,000 रुपीज इनकर किया तो अब हमें 95,000 तो इनकर करना ही है, नेट सेविंग सिर्फ 5,000 ही हो रही है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो हो रहा है दैट इज ओनली फॉर 5,000 रुपीज। नेक्स्ट डिपार्टमेंट मैनेजर, मैनेजर बोला है मैनेजर रहेगा अभी भी, रहेगा अभी भी मतलब इसको अभी भी सैलरी देनी है, पहले भी दे रहे थे अभी भी उतनी देनी है, कुछ भी इंक्रीमेंटल इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अगेन डेप्रिसिएशन इज नोशनल काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन के बारे में क्या बोला है, मशीन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मशीन की जरूरत नहीं होगी जब आप सिर्फ मेंटेनेंस करोगे तो आप मशीन को बेच दोगे और उसका मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा, सो व्हेन यू विल सेल द मशीन आपको कुछ सेल प्राइस रियलाइज होगा विच इज अगेन 50,000, दिस इज एडिशनल एक्स्ट्रा आपको 50,000 मिल रहा है, एंड यू विल बी एबल टू सेव मेंटेनेंस कॉस्ट,
मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 7,200 विल अगेन बी सेव्ड अपॉन. नेक्स्ट रेंट, रेंट के लिए कुछ बोला है, वेयर हाउस स्पेस रिक्वायरमेंट्स विल नॉट बी रिड्यूस, मतलब ये अभी भी आपको चाहिएगी, अगर आप मेंटेनेंस भी करते हो तो भी आपको वेयर हाउस स्पेस की जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स आप पहले जितना रेंट पे कर रहे थे अभी भी उतना ही पे करोगे, सो इसमें देयर विल बी नो इंक्रीमेंटल इफेक्ट. देन अदर मिसलेनियस कॉस्ट, इसके बारे में भी कुछ कहा गया है, दे विल बी रिड्यूस बाय 80%. तो पहले आप अगर इनकर कर रहे थे 31,500, अब उसका सिर्फ 20% ही इनकर करेंगे, 80% हम सेव कर रहे हैं. कितनी सेविंग्स हुई? सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड हमने सेव कर लिया. सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिया हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. ओके, एडमिन अगेन नहीं आएगा, एडमिन ओवरहेड्स, इट्स कॉमन फॉर द एंटायर कंपनी. अब ये सब कुछ सेव, ये कितना है? अच्छा ये 20% है, इतना तो आप अभी भी पे कर रहे हो 6,300. सो यू वर ऑलरेडी इनकरिंग 31,500, राइट नाउ यू आर इनकरिंग 6,300. हम इंक्रीमेंटल बेसिस अप्लाई कर रहे हैं, एडिशनल कितनी सेविंग हुई? 6,300 यू आर पेइंग ऑफ. हम अभी पूरी की पूरी वर्किंग जो कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस. पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है. सो ऑलरेडी वी वर पेइंग 31,500, नाउ यू विल बी पेइंग 6,300. कितना कम आप पे कर रहे हो, दैट इज योर सेविंग, 25,200. ये सब कुछ सेव करने के लिए व्हाट हैव यू इनकर्ड कॉस्ट ऑफ मैक्स एसोसिएट्स. मैक्स को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हमने आउटसोर्स करी है, दैट मींस वी विल बी पेइंग 2,50,000 टू मैक्स. पॉजिटिव, सो इन दिस ऑप्शन वी हैव अ नेट बेनिफिट ऑफ 42,600. देन थर्ड ऑप्शन में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खुद टस्कन करेगा, मेंटेनेंस वो मैक्स को दे देगा. मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन बाय टस्कन एंड मेंटेनेंस विल बी आउटसोर्स टू मैक्स. अब क्या क्या होगा, मटेरियल के बारे में अब बोला गया है, नाउ 90% ऑफ ऑल द मटेरियल्स विल बी यूज्ड. पहले जितना यूज हो रहा था अभी उसका 90% तो यूज हो जाएगा, सेविंग होगी केवल 10% में, नेट बेनिफिट होगा केवल 10% का. प्रोटेक्टो अगेन जितना था 90% आप यूज करोगे, पिछली बार का 90%, पिछली बार आपने साल भर में यूज किया 40,000, अब आप उसका 90% यूज करोगे, 40,000 का 90% यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज 36,000. That is what you will consume. तो बाकी का जो बचेगा उसको आप सेल आउट कर दोगे. प्रोटेक्टो का सेल वैल्यू कितना आएगा, 1 मिनट, प्रोटेक्टो 1 साल का लेंगे या पूरे का लेंगे? नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल द मटीरियल विल बी यूज, 1 साल का नहीं लेंगे हम, पूरे टोटल स्टॉक का लेंगे 90%, क्योंकि हम ये अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म में चलाएंगे. सो व्हेन वी आर कंटिन्यूइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट मींस सिर्फ एक ही साल के बारे में हम नहीं सोच रहे कि इस साल जो कंज्यूम हुआ आगे भी कंजम्पशन होता रहेगा. दैट मींस 90% तो आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना प्रोटेक्टो है उसका 90% आपका स्टॉक कंज्यूम होगा इन फ्यूचर, 10% ही आपके पास स्पेयर है, यू विल बी एबल टू सेल ओनली 10% ऑफ इट. अगेन so you can even write a note if we are considering it ki we are continuing with the stock of protecto because we are continuing with the manufacturing operation, that is an assumption, kyunki yahan par humne liya ki hum baki ka bacha hua sell kar rahe hain, isliye
जस्ट टू मैच विद दैट मैं इधर ले रही हूँ कि वी आर सेलिंग ऑफ बाकी का जो 10% है. ओके आप अगर ये अज्यूम करते हो कि हमें स्टॉक को कंटिन्यू करना है तो आप उसके लिए नोट लिख सकते हो, देन यू विल नॉट कंसिडर प्रोटेक्टो का सेल वैल्यू. सेकेंड ऑप्शन में भी ले सकते हो, सब्जेक्ट टू इट विल बी अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 10% ही यूज कर रहे हो, इधर 90% यूज कर रहे हो तो स्टिल इट्स बेटर, यहाँ पर बहुत लंबा टाइम जाएगा यूज करने में, दैट इज वाई इट्स नॉट दैट अप्रोप्रिएट. कितना आएगा सेल ऑफ प्रोटेक्टो से? आनंद का है आज बीकॉम 12,800. अदर मटेरियल्स में 10% की सेविंग होगी. पहले जो हम 1 लाख रुपीज का मटेरियल खरीदते थे, अब हमें 90,000 का खरीदना है, मतलब 10,000 रुपीज हमने अदर मटेरियल्स के सेव कर लिए. लेबर, लेबर के बारे में बोला है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हो यू हैव टू कंटिन्यू विथ ऑल योर लेबर फोर्स, किसी भी इम्प्लॉय को आप नहीं निकाल रहे हो. इसका मतलब पहले जो पे कर रहे थे आप लेबर को 1 लाख रुपीज, अभी भी आप उतना ही 1 लाख रुपीज ही पे करोगे. पहले भी 1 लाख पे कर रहे थे, अभी भी 1 लाख पे कर रहे हो, सो देयर इज नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट. डिपार्टमेंट मैनेजर बोला है, डिपार्टमेंट मैनेजर लगेगा हमें डिपार्टमेंट में, तो अगेन पहले भी 16,000 पे कर रहे थे, अभी भी 16,000 पे करना है, देयर इज नो डिफरेंस. डिप्रिसिएशन कंसिडर नहीं कर रहे हम. मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन की अब जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो दैट मीन्स आप मशीन अपने पास रख रहे हो, मशीन अपने पास रख रहे हो तो मेंटेनेंस आपको कराना पड़ेगा, पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हो, देयर विल बी नो सेविंग्स. रेंट, वेयरहाउस की भी अब जरूरत है, तो पहले भी आप पे कर रहे थे वेयरहाउस रेंट, अभी भी वही पे करोगे, अगेन नो इंक्रीमेंटल इफेक्ट. अदर नहीं, वो उन्होंने लिया है बट नीचे दिया हुआ है आपको कि क्योंकि हम हाफ यूज कर रहे हैं इसलिए उन्होंने टेबल में 9,000 दे दिया, एक्चुअली दे आर पेइंग 18,000. पहले भी 18 ही पे कर रहे थे, अभी भी 18 ही पे करेंगे. अदर मिसलेनियस कॉस्ट पे बोला गया है दे विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो यहाँ पर हमारी 20% से सेविंग हो रही है. पहले 31,500 पे कर रहे थे, अब उसका 80% पे करेंगे, बाकी का बैलेंस 20% विल बी द इंक्रीमेंटल बेनिफिट. सेविंग्स इन मिसलेनियस कॉस्ट अब आएगा 6,300. एंड नाउ टू गेट ऑल दीज सेविंग्स, अभी यही है ना, सिर्फ मशीन हमें सेल आउट करना नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा. टू गेट ऑल दीज सेविंग्स नाउ वी आर इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ 50,000. मैक्स को हम पे कर रहे हैं 50,000 रुपीज, सो वी इन द थर्ड ऑप्शन हैव अ नेट कॉस्ट ऑफ 20,900 नेगेटिव. नेट इंक्रीमेंटल हमें 20,900 का कॉस्ट लगेगा, जितना हम अभी भी अर्न कर रहे हैं उससे और कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट. सो विच ऑप्शन इज द बेस्ट? ऑप्शन वन, दे शुड गो फॉर दिस वन. दोनों ही एक्टिविटीज आउटसोर्स कर देनी चाहिए. दोनों एक्टिविटीज आउटसोर्स करने से नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट विल बी 119,700. दीज आर इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स. प्रेजेंट सिचुएशन से हमें इतना ज्यादा बेनिफिट होगा. क्लियर है? एनी डाउट्स? क्योंकि सारी चीजें पर एनम है, 4 इयर्स का करना है तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा. कैसे होगा? ये भी मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा.
साल है तो 3 साल 18 लास्ट ईयर में ही सेल होगा ना? करेक्ट, फर्स्ट ईयर में ही सेल होगा, लास्ट ईयर में नहीं। जब अभी हमने डिसीजन ले लिया है तो हम अभी सेल कर देंगे। सेल ऑफ प्रोटेक्टो एंड सेल ऑफ मशीन, यस करेक्ट, कंसिडर करना होगा या करना पड़ेगा, यस वेरी गुड। हमने मिस आउट करा दैट ऑल दी थिंग्स आर गिवन फॉर 4 इयर्स। हर चीज 4 सालों के लिए दी है, सारे कॉस्ट आर बेस्ड ऑन पर एनम बेसिस, और बोला है 4 साल में कॉस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, एक्सेप्ट फॉर दीज टू आइटम्स, द सेल ऑफ प्रोटेक्टो एंड द सेल ऑफ मशीनरी। ये दो जो आइटम है ये वन टाइम ही है, ये पहली बार ही आपने बेच दिया, खत्म हो गया। एवरी ईयर इट इज नॉट रिपीटिंग। बाकी के जो भी कॉस्ट है, सेविंग्स है, वो सब आपकी हर साल रिपीट होती रहेंगी। इवन मैक्स का जो पेमेंट कर रहे हो वो भी हर साल रिपीट होता रहेगा। सो वाइल राइटिंग डाउन यू जस्ट सेपरेट दीज टू, इन दोनों को अलग से लिखो, मे बी लास्ट में लिखो, बाकी के सबको रिकरिंग एक्सपेंसेस या रिकरिंग बेनिफिट्स और कॉस्ट, इन सबको एक साथ लिखो। देन डू द नेट रिकरिंग बेनिफिट्स का टोटल, उसको मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे 4 से, एंड देन वी विल एडजस्ट विद द सेल ऑफ प्रोटेक्टो एंड मशीन विदाउट कंसिडरिंग दिस 50,000 एंड दिस 128। इन दोनों को कंसिडर किए बिना पहले फर्स्ट फाइंड आउट दी इंक्रीमेंटल रिकरिंग बेनिफिट्स। वन लाख प्लस 85,000 प्लस 7,200 प्लस 18,000 प्लस 31,500 माइनस 3 लाख 2,41,700। दिस इज फॉर 1 ईयर। हर साल हमें ये सेविंग्स होती रहेंगी, हर साल हम मैक्स को ये पे करते रहेंगे। दिस विल कंटिन्यू फॉर 4 इयर्स। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मैक्स ने हमें, ओके। सो जब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल रिकरिंग बेनिफिट्स फॉर 4 इयर्स। अच्छा ये लेस कर गया, 58,300 का देर इज लॉस। टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर 4 इयर्स विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 4, 233,200। दीज आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इनिशियल रेवेन्यूज, जो में सिर्फ एक ही बार हो रहा है वो है 128 और 50,000। सो यू विल क्लब दीज ऑल, इनको एक बार लिखोगे, ये दोनों आखिरी में लिखोगे प्रेजेंटेशन के टाइम पर, सेल ऑफ प्रोटेक्टो एंड सेल ऑफ मशीन दोनों नीचे आएंगे। इन दोनों से टोटल हमें मिल रहा है 1,78,000। दैट मीन्स देर इज अ नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 55,200। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में भी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट हम अलग से कंसिडर करेंगे, बाकी का जो भी है। नाउ विद दिस, जैसे 4 ईयर का ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, सो अवर अजम्पशन कि ये और आगे कंटिन्यू होता रहेगा, दैट विल गो रॉन्ग। जो हमने प्रोटेक्टो के लिए आप बोल रहे थे कि ये अज्यूम करें कि लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा, हमने 2 लाख का 2 लाख में से 40,000 कंज्यूम कर लिया था, 1/5, बाकी का जो बचा था वो 4 ही साल का कंजम्पशन था। हम 4 साल के ही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो भी बचा होगा बाकी वो हमें अभी सेल आउट ही करना पड़ेगा। वी वॉन्ट गो विद द अजम्पशन कि हम स्टॉक रख रहे हैं आगे के लिए, ओके। सो अगेन इंक्रीमेंटल रिकरिंग बेनिफिट आप फाइंड करोगे, ये दोनों चीजें आप अलग से लोगे, दिस एंड दिस। यू हैव कॉस्ट 122,600। So for 4 years this will become
490 400। इनिशियल रेवेन्यूज वन सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड, सो नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 325 200। यहाँ पर सिर्फ सेल ऑफ प्रोटेक्टो है विच इज वन टाइम, बाकी का ये साथ में आएगा। थर्टी थ्री सेवन हंड्रेड नेगेटिव, दिस इज फॉर वन ईयर मल्टीप्लाइड बाय फोर वील हैव 134,800 एंड इनिशियल रेवेन्यू इज 12,800, नेट कॉस्ट इज 1,22,000। तो अब अगर वैसे तो देखें तो तीनों ही ऑप्शन में हमारा कॉस्ट ज्यादा है, मतलब और बेनिफिट्स आर रिड्यूसिंग, सो दे शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनिंग ऑन देयर ओन, दे शुड नॉट सब कॉन्ट्रैक्ट एनीथिंग टू मैक्स लिमिटेड। फिर भी अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन दैट केस अगेन वी विल गो विद दिस ऑप्शन ओनली। अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को करेंगे, बट इफ इट इज नॉट अदरवाइज नीडेड ऑन ओनली फाइनेंशियल ग्राउंड्स, we should suggest them that continue with the activities on themselves. Subcontract karne se unke cost badh rahe hain, unke profits reduce ho rahe hain. Okay, aur koi doubt likh lijiye, read question 27 after this.